सोनू और तारा की टेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। एक लड़का था जिसका नाम सोनू था। वह काफी खुश रहा करता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी और सोनू अपने क्लास का सबसे तेज लड़का था और हमेशा अच्छे अंक भी लाता था, इसलिए उससे हर टीचर खुश रहते थे। लेकिन उसके कुछ दोस्त उससे जलते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ जिसका नाम तारा था। वह लड़की पढ़ने में काफी सही थी और यह लड़का सोनू भी मन का काफी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था लेकिन कोई बुरा नजर नहीं डालता था। लेकिन अब नई लड़की तारा उस लड़की की कक्षा में आ गई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति को जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। तारा तो बहुत जल्दी समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सोनू को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया, अब पढ़ाई खत्म होने को थी। तारा सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर तारा ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। लेकिन सोनू के काफी दोस्त इसकी कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो सोनू के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात सोनू के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता तो उसको काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण वह तारा से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। अब तारा भी उदास रहने लगी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सोनू को कोई परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि वह सोनू से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उसने सोनू से दूरी बना ली और सोनू ने जैसे तैसे परीक्षा को खत्म किया और वह बाहर पढ़ने चला गया। उसके बाद वह अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना। और फिर उसने तारा से शादी करने के बारे में सोचा, क्योंकि वह भी तारा से प्यार करने लगा था। और तारा का पता करके उसने उससे शादी करने की बात की, तो तारा शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो अभी भी कुंवारी थी और सोनू से अभी भी वह प्यार करती थी। और सोनू को भी तारा से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतजार में था और अब वो अपने पैरों पर कामयाब हो गया था, इसलिए दोनों ने शादी कर ली और अब वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं और ना ही खुद से कोई तकलीफ देना चाहते हैं। इसलिए तारा ने सोनू की तकलीफ को देखकर सोनू से दूरी बना ली थी। लेकिन उनकी किस्मत में मिलना लिखा था, इसलिए वो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक हो गए। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।